लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। आपने रेलवे स्टेशनों के नाम तो सुने होंगे, पर कुछ स्टेशनों के नाम ऐसे भी होते हैं जिनके मुख्य नाम के साथ टर्मिनल, जंक्शन और सेंट्रल जुड़ा होता है, जैसे मुंबई सेंट्रल, मथुरा जंक्शन, बांद्रा टर्मिनल। अगर आप सोचते हैं कि इस अलग अलग नामकरण के पीछे कोई तथ्य नहीं है तो वो आप गलती कर रहे हैं। आइए आपको बताते हैं क्या है इस टर्मिनल, जंक्शन और सेंट्रल का खास राज। किसी स्टेशन के नाम के एंड में टर्मिनल तब लगता है जब उस स्टेशन पर ट्रेन जिस डायरेक्शन से आई है उसी डायरेक्शन में वे वापस चली जाती है। दूसरे शब्दों में कहे तो दूसरी डायरेक्शन में रेलवे ट्रैक खत्म हो जाता है, इसलिए ट्रेन जिस दिशा से आती है वे उसी दिशा में वापस जाती है। भारत में 27 स्टेशन ऐसे हैं जिनके एंड में टर्मिनल लगता है। उनमें से प्रमुख दो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, लोकमान्य तिलक टर्मिनस है। जिस स्टेशन के नाम के आखिर में सेंट्रल लगता है वह शहर का सबसे व्यस्त स्टेशन होता है। जिस शहर में एक से ज्यादा स्टेशन होते हैं उनमें से जो सबसे पुराना और प्रमुख स्टेशन होता है उसके नाम के आखिर में सेंट्रल लगता है। भारत में 5 सेंट्रल स्टेशन है, मुंबई सेंट्रल, चेन्नई सेंट्रल, त्रिवेंद्रम सेंट्रल, मैंगलोर सेंट्रल, कानपुर सेंट्रल। अगर किसी स्टेशन में ट्रेन आने और जाने के लिए 3 से ज्यादा रूट्स होते हैं तब उस स्टेशन के नाम के आखिर में जंक्शन लगता है। सरल भाषा में कहे जिस रूट पर ट्रेन ने एंटर किया उसके अलावा ट्रेन 2 अलग अलग रूट से स्टेशन को छोड़ सकती है।